नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्दमान का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में सुरक्षा चूक मामले में कहा कि हर कोई इस घटना की निंदा करता है, भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो इसको लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रशासन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। ललन सिंह ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले अगर मुसलमान होते तो यही बीजेपी पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैला देती। भगवान का शुक्र है कि कल जो दो लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। आज जो सांसद सस्पेंड हुए हैं वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं सांसदों को, निलंबित करते रहे हैं। बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहां कोई सवाल है। असम से AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सरकार से जब भी सवाल करो ये कांग्रेस के दौर की गिनती करने लगती है। अजमल ने कहा कि अगर वही गलती दोहरानी है तो जनता ने कांग्रेस की जगह बीजेपी को क्यों मौका दिया? ये तो जुल्म है ना, किसी को आवाज भी उठाने नहीं देंगे आप। इतना बड़ा हादसा कल हो गया, हर बात पे कह देंगे कश्मीर के मामले में कि कांग्रेस के जमाने में इससे बुरा था, हमारे जमाने में इससे अच्छा हुआ। जो पूछो बोलो, कांग्रेस के जमाने में बुरा, तभी तो आपको लाए लोग। और इस मामले में भी कल क्या घटना हो गई, बोले ये तो कांग्रेस के जमाने में हो चुका है फुलाने, तो आपको इसका मतलब आप परमिशन दे रहे हैं कि और भी हमारे जमाने में ज्यादा कर लो, इसलिए कि कांग्रेस के जमाने में हो चुका है, वो फेल हुए तभी तो लोग आपको लाए। तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी? आपकी जिम्मेदारी है। ये गलत बात है। ऐसे मामले में अगर लोग हंगामा करेंगे, लोगों की आज़ादी, आवाज़ की आज़ादी के ऊपर जो है वो आप रोक लगाएंगे, ये ना इंसाफी है, जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सर्वे कब शुरू होगा, कैसे होगा, कोर्ट कमिश्नर किसे अपॉइंट किया जाएगा, इस पर 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में फैसला होगा। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 गा। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए।
एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन 130 गा उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कोई भी मस्जिद किसी दूसरी इबादत गाह को तोड़कर नहीं बनाई जाती, इसलिए हिंदू पक्ष का मंदिर वाला दावा बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ये शरीयत का टूट हिस्सा है कि मुसलमान कभी भी कोई भी अपनी इबादतगाह न मस्जिद न ईदगाह किसी के भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाता है, क्योंकि वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं है। और फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर लीगल ल्यूमरीज टू डिसाइड कि ऐसे हालात में रोज़ नए इबादतगाहों पर सवाल उठाना लीगली भी दुरुस्त है कि नहीं। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका लगातार ये कहना था, अपने जो साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए, जो बातें उन्होंने कहीं, उसमें उन्होंने कहा कि अंदर हमको हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां दिखती हैं, अंदर शेषनाग का जो फन होता है वो नज़र आता है। नहीं देखिए, वो तो जब अगर सर्वे होता है उसकी क्या रिपोर्ट आती है तभी ये बात साबित हो सकती है कि तमाम बातें दुरुस्त हैं कि नहीं दुरुस्त हैं। बहरहाल हम सबके लिए सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं।